मुझे लग रहा है ना, ये किलर जो भी है ये लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता है। जितने लोगों को मार चुका है या मार रहा है वो सभी बड़े पॉलिटिशियन या करप्ट लोग हैं। एग्जैक्टली शॉप से अभी बाहर निकले। हाँ अभी जस्ट अभी
से ये देर से आने की आदत जाएगी नहीं तुम लोग की। घुटने के बल बैठ जा जल्दी। तेरा काम खत्म रमन, चाहे कुछ भी कर लो ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। तूने इतने बेवजह लोगों को क्यों मारा? बेवजह? वो बेवजह थे? अरे मैंने तो प्रदेश की गंदगी साफ की है, तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए। किस बात का एहसान? हम इतना टैक्स देते हैं, बदले में हमें सुविधाएं कितनी मिलती हैं? ना ही अच्छी रोड है, ना ही कोई एजुकेशन सिस्टम, ना अच्छे हॉस्पिटल, साला बैंक भी नहीं है। और इतना टैक्स देने के बाद भी अगर हमें फ्री एजुकेशन और ट्रांसपोर्टेशन ना मिले तो क्या फायदा? इतनी छोटी उम्र में इतने लोग को मार के क्या मिला? मुझे इतनी छोटी सी उम्र में समझ में आ गया, बाकी तुम लोग की आंखों में पड़ता है, तुम सबको भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। और बाकी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, देखना चाहोगे? डॉनू चंद्रा, इसमें तुम्हारी बीवी का कटा सर है। क्या बकवास कर रहा है तू? तुम सोच रहे होगे तुम्हारी बीवी का फोन ऑफ क्यों आ रहा था? क्योंकि तुम्हारी बीवी का फोन मेरे पास था। चंद्रा बॉक्स चेक कर। बताना बॉक्स में क्या है। ले जाना नहीं चाहेगा? तेरी बीबी को मैंने क्यों मारा? जिस पॉलिटिशियन को मैं मारने गया था उसके साथ सो रही थी वो, उसके साथ मजे करती थी वो, तूने कभी नहीं पूछा ना कहाँ जाती है, किसके साथ सोती है? मैंने सोचा तेरे को गिफ्ट दे दूँ, तेरा भला किया मैंने, धोखा दे दी तेरे को वो। हम आम आदमी रहना पहनना खाना नहीं कर पा रहे और ये साले नेता हमारे टैक्स के पैसों से साले मौज कर रहे हैं। चंद्रा मुझे गन दे। अखिलेश इसे हम लोग कोर्ट में देख लेंगे। हाँ हाँ देख लो कोर्ट में, मैं वहां अपने आपको मेंटल साबित करके बच जाऊंगा। मुझे गन दे। एक बात पूछो दिव्या। हाँ मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? अखिलेश तुम मुझ पे शक कर रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी रात तक। बाय बाय। लजिया बबुआ तोहरे ही हथवा की बचाई हो ले तना, तू बचाई हो ले तना, भारत माता के अचरवा
तू बचाई हो ले तना भारत माता के चरवा तू बचाई हो ले तना।